तो एक बड़ी जानकारी फरीदाबाद से इस समय सामने आ रही है, जहां पर एक बेटे की शर्मनाक करतूत देखने को मिली है। शराबी बेटे ने 80 साल की मां को बुरी तरीके से पीटा, मां को लात घूंसू से पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया, पैर से अपनी मां का गला दबाया। घायल बुजुर्ग को अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी मां का इलाज चल रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है, पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जो बुजुर्ग है उसका इलाज चल रहा है, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक बेटे की तरफ से अपनी मां पर हाथ उठाया गया, अंदाजा लगा सकते हैं आप। एक मां को लात घूंसों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया है, जिसका अभी फिलहाल इलाज चल रहा है, और पैर से अपनी ही मां की गर्दन दबा दी गई। फिलहाल पुलिस तक मामले की सूचना जा चुकी है। अनिल राठी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनिल राठी, क्या कुछ हुए, पूरा मामला रहा है, एक बार विस्तार से दर्शकों को खबर बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए बसंत, आपको बता दें कि फरीदाबाद के NID नंबर 5 का ये पूरा मामला है, जहां पर कि एक महिला थी जो वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर रहती थी। उसका बेटा है, बड़ा बेटा है, और साथ ही साथ देखिए पोता भी है, और तमाम परिवार के जो सदस्य होते थे वो उसके साथ रहती थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुजुर्ग महिला ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से जो है वो उसका बेटा जो है वो शराब का भी है, और शराब के नशे में धुत होकर के जो है वो उसके साथ बदतमीजी करता है, मारपीट आई करता है। तो कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से ये मामला पूरा सामने आया, तो कल काफी गंभीर चोटें जो है वो उससे उसके जो कलयुगी बेटा है उसकी तरफ से जो है वो दी गई है। कई बल्कि इवन की जो जिस तरीके से बुजुर्ग बता रही है कि मेरी गर्दन में पैर रख करके जो है वो उसने मुझे मारने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं उसके बावजूद हालांकि वो फिलहाल फरार है, घर से भाग चुका है, क्योंकि जैसे ही पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी थी उसके बावजूद जो है वो बेटा घर पर ही जो है वापस, क्योंकि शराब का आदि है, वो शराब पीता है सुबह से लेकर शाम तक। जिस तरीके से जो परिजन है वो बता रहे हैं कि शराब के नशे में धुत रहता है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल इस महिला को जो है वो उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, और इसके बावजूद इमरजेंसी वार्ड में इसका इलाज चल रहा है, और तमाम जो इसके बाकी परिजन है जो ठीक है।